ये देख रहे हो, पहले लोकेशन दिखाओ इनको, अब खाना दिखाओ, अब खाने वाला दिखाओ, फिर भी अच्छा खासा सामान आ जाता है। अब भाई तीन रो है, सात कैंडिडेट अंदर बनेंगे कैसे? जो लोग कंप्लेन करते हैं ना कि लास्ट रो में एसी नहीं है, उसकी बहुत ही शानदार जुगाड़ निकाली है वो, अरे बीच आ गया, ये आगे गाड़ी है, चुम्मा व्यू दिख रहा है यहाँ, देखो गर्मा गर्म पूड़ियां बन रही है। गुड बॉय कीटो, इनसे बेटर स्विमर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज हमारे साथ है हमारी छोटी सी मेहमान श्री। आज एक प्यारी सी रोड ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है, और देखिए बगल में गन्ने के खेत, उसके बगल में यहाँ बन रही है चाय, सैंडविच खाए जा रहे हैं लोग, चटकारे ले लेके खा रहे हैं, पूछ भी नहीं रहे। ये ट्रिप थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें हम इंजॉय तो करेंगे करेंगे, साथ में आपको हमारी इस न्यू पीस के बारे में, मतलब स्कॉर्पियो एन के बारे में बहुत सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। हमें आपको बताना है कि आप अगर इसको एज अ फैमिली कार ले रहे हैं और एज अ सेवन सीटर कंसिडर कर रहे हैं, क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशन जैसी रह पाएगी? क्यों श्री, रह पाएगी आप बताइए मुझे। अरे श्री ने तो हाँ बोल दिया भाई। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ सात से ज्यादा लोग हैं, अगर श्री को भी मैं काउंट कर लूँ। अब आपको देंगे अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस कि इस गाड़ी में सात लोगों के साथ ट्रैवल करना, हाउ गुड दैट वुड बी, उनका एक्सपीरियंस कैसा होगा, सस्पेंशन कैसे है, एसी वर्क करता है कि नहीं करता। आई नो यू हैव टन्स ऑफ क्वेश्चन, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। और श्री यहाँ मेरे बटन खोले जा रही है, क्यों श्री, आई वांट टू, ये ये श्री, ये कीटो की सीट फिक्स हो गई है। देव देख रहा है कीटो, भाई सही बैठ जाए तू यार, कीटो तमन्ना तो कहते आज कर दी है ता मोह जल्दी से भाई, इतना चावल वो बनाया बेड जी, कितनी कुछ हो रही है बाबू, ये ये ये। ब्रावो, मजा आ गया भाई, हमारे धर्मपा जी की पहली ट्रिप है, इट्स वेरी प्रीटी एंड ब्यूटीफुल, मैं वही गाड़ी निकालूंगा इसमें। हां मैं ले लूंगा। आप लोग तो बड़ी पिकनिक मना रहे हो, देखो ये देखो यहाँ पर बैठ के पिकनिक मनाई जा रही है। श्री श्री कैसा लग रहा है बाबू, कैसे लग रहे है? हमारी मसाला चाय, मसाला दूध मसाला चाय, चाय नहीं हम चाय चाय बताइए आप, आज कैसा लग रहा है 8 बजे सोने की जगह यहाँ बीच रस्ते में खड़े होकर सैंडविच खाते हुए? फीलिंग रिफ्रेश, वंडरफुल। आशु चाय बन गई यार, तुम्हें चाय बना दी, वेरी गुड। और वहाँ मम्मी चाय और सैंडविच के चटकारे ले रही है, यहाँ कीटो तुम किसके चटकारे ले रहे हो बताओ? इंतहा हो गई, कीटो गाना गाएगा देखो इसका, कम खाने या पेट में दर्द होगा तेरे, नहीं इतनी बुढ़ी हो गई, तेरे पूरे बाल झड़ रहे, देख पूरे पैंट में लगे पड़े, बुढ़ापा जल्दी आ गया तेरा। हाय ज्योत्सना, क्या चल रहा है? सैंडविच। ये हमारी श्री है, ये उसके पापा हैं, और यहाँ हमारी पारी हो रही है, यहाँ चाय बन रही है, कीटो को भुक्की लग रही है। अब देखो भुक्की शब्द सुन दे, कीटो भुक्की, ये देखो, देखा इस डायनासोर को आपने, क्या आपने इस डायनासोर का चेहरा देखा भुक्की, कीटो भुक्की, ओह माय गॉड, भुक्की सुनते ही वाह, क्या सैंडविच बनाया जा रहा है, क्यों मम्मी दियो दो गर्मा गर्म चाय, ओ माय गॉड वाह, सैंडविच एंड चाय, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, बाल मेरे कैसे हो रखे चप्पू जैसे आज, मजा आ गया भाई चाय से। प्लीज देव गन्ना ले आना मेरे लिए, वो देखो वहाँ से गाड़ी आ रही है, आपको आपको चैलेंज दिया है आज, आपको नहीं दिया तो आप लोग बेइज्जती हो जाएगी आपकी, मैंने मम्मी को चैलेंज दिया है वहाँ से, वो जो भैया देखो गन्ना गाड़ी लेके आ रहे हैं, ये मम्मी गन्ना मांगेंगे उनसे, ठीक है देखते हैं इनको मिलेगा कि नहीं, कौन मम्मी मांगे, मिल जाएगी भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू भैया, थैंक्स भैया, थैंक यू, वाह मम्मी आपको तो गन्ना मिल गया, क्या बात है, क्या बात है, क्या हमेशा ही इतने अच्छे लोग मिलते हैं ना, मैं हमेशा ही इतने अच्छे लोग मिलते हैं। शर्ट तो बड़ी अच्छी लग रही है, कहाँ से मिली है तुम्हें? यार ये बीवी ने गिफ्ट किया मेरे को ना, शर्ट लाइफ का नाम क्या है यार, कमाना है खाना है और ऐसे घूमना है,
दिस इज अ परफेक्ट वीकेंड डे हमारी डिक्शनरी में, ट्रेवलिंग माउंट्स के डिक्शनरी में, और हमें जो फॉलो कर रहे हैं आई नो उनकी डिक्शनरी में भी जो एक परफेक्ट वीकेंड है ना उसकी डेफिनेशन ये होगी। प्यारा सा व्यू हो, हाथ में गर्म चाय की प्याली हो, उसको पिलाने वाली वो तो होगी, साथ में सैंडविच हो भाई। और जो तुम बीवी से लड़ाई करते हो उसकी माफी मांगो, चलो इस वातावरण में, एनवायरमेंट में। सॉरी मैं शक्ल नहीं बनाऊंगा, मुंह नहीं बनाऊंगा, मैं समाज मांगता हूँ और मैं वही डालूंगा जो मैं चाहता हूँ इस ब्लॉग में। मैं डालूंगी, मैं एडिट करूंगी इस बार। मेरे पति देव 1.5 लाख के ड्रोन के रिमोट के ऊपर क्या चल रहा है, देखो क्या चल रहा है यहाँ पर। कुछ नहीं, जो हमने खाया पिया वो सब हम समेट ले, क्योंकि हम नहीं चाहते इतनी खूबसूरत जगह पे कुछ भी गंदगी हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो मम्मी के गन्ने के साथ साथ पीछे भाई इतना सामान आ गया, जो लोग बोलते हैं कि पीछे की जगह इम्प्रैक्टिकल है, हाँ भाई थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा सामान आ जाता है। सीट के नीचे अच्छी खासी जगह है, आप अपने पतला पतला सामान पूरा नीचे स्लाइड आउट कर सकते हो। इसमें अभी चटाई और मैट और वो हमारा टेंट है, स्टूल्स है, फोल्डेबल स्टूल्स सब नीचे ही है, उसके सब उसके नीचे है। उसके बाद हमारा ये देखो नॉर्मल हमारे कपड़े वाले बैग हमने पीछे लगा लिए, हम लाए इसी तरीके से थे ताकि ज्यादा पंगा ना हो। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो ये आर्च दिख रहा है ना आपको, ये बेसिकली क्या करता है, थोड़ी और स्पेस क्रिएट कर देता है ताकि अगर आपका बैग वैग थोड़ा बाहर भी निकले तो भी कोई इश्यू ना हो। अब भाई 3 रो हैं, लास्ट रो, सेकंड रो एंड फर्स्ट रो, और बंदे हैं 6, किटो को मिला के 7। देखते हैं भैया 7 बंदे एक्चुअली इस जगह में बनेंगे कैसे। ठीक है भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडिडेट तो यहाँ है और 7वां अंदर है। वो देखो वो औने पौने वाला कैंडिडेट वहाँ पे भी है बीच में ना, दोनों को मिला दो तो 7 कैंडिडेट होते हैं। अब देखते हैं ये 7 कैंडिडेट अंदर बनेंगे कैसे। ये देखा वो तो खुश है भाई पीछे, हमारे 2 कैंडिडेट तो सबसे पीछे बैठ चुके हैं, वेरी गुड वंडरफुल। एक हमारा ये देखो ये सबसे ज्यादा जगह ये घेर के बैठता है, 2 लोगों की जगह ये घेर के बैठता है। अब आ गई मम्मी, मम्मी की बात अब आ रही है ज्योत्सना की। 5 कैंडिडेट, 5.5 कैंडिडेट बैठ चुके हैं और 2 कैंडिडेट रह गए हैं, और ये आ गए हमारे 6वें कैंडिडेट। 6 लोग अंदर बैठ चुके हैं, 7वां हूँ मैं, और मैं जा रहा हूँ फटाफट से गाड़ी के अंदर। ये खोला मैंने गेट और भैया हाइट जा रहा है। ठीक है अब देखो 7 बैठ तो चुके हैं, लेकिन कितनी कंफर्टेबल रहेगी ये गाड़ी ऑन ड्राइव, दैट्स समथिंग विच वी हैव टू चेक। ठीक है अब चाहो तो अपना AC चालू कर लो भाई। जो लोग कंप्लेन करते हैं ना कि लास्ट रूम में AC नहीं है, उसकी बहुत ही शानदार, वैसे आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, जिनको जरूरत ज्यादा लगती है ना उनके लिए एक बहुत ही शानदार जुगाड़ निकाली है। वो जुगाड़ क्या है ये आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। तो अंकल ने हमको बहुत अच्छे से समझाया कि ताड़ मोड़ ताड़ मोड़ ताड़, तो हमें रोड पर अरे बीच आ गया, वो बीच आ गया मम्मी, वो बीच नहीं है हमारा वाला। और भाई पानी कितना अंदर तक है मम्मी, वही है पानी बहुत अंदर तक है। पानी के पास सब लोग जाएंगे लेकिन पानी में कोई नहीं उतरेगा, पहले पूरा मुआयना किया जाएगा उसके बाद पानी में उतरेगा। ऑफ रोडिंग आप देखिए, आपको स्कॉर्पियो एन की ऑफ रोडिंग दिखा रहे हैं। जैसे हम लोग निकले यहाँ पे ये जंगल खत्म हुआ और सामने आपको कुछ दिख रहा है, इज़न्ट इट फैसिनेटिंग। ये हमें चटाई पे बैठने ही नहीं दे। आप क्यों रो रहे हो सामने ड्रोन से, देखो वहाँ पे गाड़ी लगा दी है, यहाँ देखो गर्मा गर्म पूड़िया बन रही है। ये लोग बेलन लाना भूल गए ना, ये हमें यहाँ पे पिकनिक के लिए लेके आए, बेलन चकला सब भूल गए। हाथ से बन रही है पूड़िया, वंडरफुल, हाथ से पूड़िया बन रही है। और चलो आपको जब तक एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अनिल इधर आइए जरा,
भाई ये बताओ ये स्किड मार्क किस चीज का है? बस ये आपके रियर व्हील का है। अच्छा रियर व्हील का है, तो आप कहना चाहते हैं रियर व्हील की वजह से यहाँ पहुँच पाई है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप स्लोप पे हो तो रियर व्हील ड्राइव इज बेटर ऑप्शन। एग्जैक्टली, लिटरली मुझे नहीं पता था ये रियर व्हील ड्राइव थी। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, अच्छी खासी स्लोप है यहाँ पे, बहुत मड है, बहुत सारे पत्थर है, और ये तो फिर भी रास्ता ठीक था। आगे जहाँ से हम आए हैं मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, वो पूरा का पूरा रॉकी था, फिर भी गाड़ी मस्त तरीके से यहाँ पे आई। मैंने बैक लेके यहाँ पे लगाई है, बहुत पावर है गाड़ी में, बहुत अच्छा ट्रैक्शन भी है, और व्यू देख रहे हो आप, ओह माय गॉड, चुम्मा व्यू दिख रहा है यहाँ से। चलो भैया हमारे पूड़े खाने का टाइम हो गया। ये पूड़िया, माय गॉड, हाथ से बनी पूड़िया। अच्छा 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 अच्छा, अच्छी पूड़िया दिखाओ। मैं तो मैं यही पूड़िया दिखाऊंगा, तो वो पक नहीं रही है। कोई नहीं, हम तो गंदी पुड़िया दिखाएंगे ना, फिर बोलेंगे गंदा बनाते हैं। थोड़ी सी हेट तो आए इन लोगों के लिए, लगा हुआ है कीटों का मस्त है। बोला तुम ऐसी तैसी कराओ, तुम मत आओ, मैं तैर लूंगा, तुम मत आओ। क्या हीरो क्या बन रही है? लास्ट टाइम की वीडियो डालू, कैसे जलपरी बन के घूम रही थी इस जगह पे? बता बता, बोलो बोले मम्मी कुछ बोलो ना, अभी भी बनेंगे ना, बनोगे, बन के दिखाओ, बनेंगे। देखो वहाँ पे, बाय द वे हम लोगों ने वहाँ पे टेंट लगा दिया जहाँ पे कपड़े चेंज कर सकते हैं, एंड अगेन वो खड़ी हमारी सक्सेस है इसका। वाह, यू आर असिस्टिंग मी सो वेल, आप मेरे कैमरे को कवर कर ले रहे हो, ठीक है। लाओ भाई इनकी फुली फुली पूड़ियाँ ले लें, नहीं तो लगेगा मैं इनकी बेइज्जती करता। लाओ दिखाओ, चलो बनाने का तरीका दिखाओ तुम। ये भंडारे वाली पूड़ियाँ बना रहे हैं, हम जानबूझ के चकला बेलन नहीं लेके आए, मम्मी भूली नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। भंडारे में तो ऐसी नहीं बनती, वो चकले बेलन से ही बनाते हैं, भंडारे में मोटी मोटी बनती हैं। देखो यहाँ सबसे सीधे जो बच्चे हैं वो है मैं और श्री, ठीक है, हम लोग एंड में जाएंगे पानी में। ओके श्री, इन लोगों को मस्ती कर लें दो, उसके बाद हम लोग जाएंगे। सबसे गंदी बच्ची है जो वो बैठी हुई है, वो सबसे ज्यादा मस्ती करती है, ऐसा बदतमीज पपी है हमारा। मैंने एक बोतल फेंकी, वो बोतल लेने नहीं गया ना, हमें क्या बचाएगा बताओ, कैसा कैसा डॉग है तू। इन लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, बहुत ज्यादा तेज भूख लगी, ठीक है। ये आधे घंटे से बना रही है पूड़ियाँ, कभी इनकी टेढ़ी मेढ़ी बनती है, खा रही है मैं बैठ के। कौन सा बावर्ची खुद बैठ के खाना खाता है? पहले लोगों को खिलाया जाता है फिर खाया जाता है। बहुत तेज भूख लगी है। व्हाट अबाउट यू अनिल, चेहरा बता रहा बेचारी, श्री को देखो कब से नहीं खाया बेचारी बच्ची ने। मैडम कब आपका खाना तैयार होगा ये बताओ मुझे। छोले का, छोले देना जरा, छोले छोले देना। अभी कीटो ने छोले निकाले नहीं है, चिली चोले बना दो प्लीज भैया। ओहो, गर्मा गर्म चोलों के दर्शन हो गए, कहाँ दुबका के रखे थे मम्मी ये चोले। मशीन चालू हो गई, मशीन बना दिए चोले आपने, वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। कहाँ, वही तो देख रहा हूँ, वो तो मशीन काम कर गई ना अभी। ए कितो 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 0.5 ऑफकोर्स देव, हमेशा वही करती हूँ। अपने सबको जलाता हूँ, देखो ये देख रहे हो, पहले लोकेशन दिखाओ इनको, अब खाना दिखाओ, अब खाने वाला दिखाओ। तो ये मैंने डाला और ये मैंने निकाला, और इतना जल्दी इतनी फास्ट मशीन। मामा मिया, सब करो मामा मिया, मामा मिया भाई, बहुत तगड़े छोले बने, बहुत तगड़े छोले बने। निर्दयी और जालिम लोग हैं, देखो खाए जा रहे, बेचारा वो वहाँ से बैठ के देख रहा है ना, सारा खाना छोड़ दिया उसने अपना। वैसे उसके लिए चिकन लाया था, उसने खाया नहीं अभी। कम कीटो, गुड बॉय, गुड बॉय बड़ी, गुड बॉय। ये देखो ये तैर का आ रहा है मोटू ना, गुड बॉय, ओहो गो गो कीटो गो। गुड बॉय, गुड बॉय गीडो, गुड बॉय, गुड बॉय गीडो, गीडो इनसे बेटर स्विमर है। वेरी गुड बॉय, गुड बॉय गीटो। वाटर में ना चमत्कार करके निकल चुके, इसलिए हंस रहे हो। देख अबे नहीं 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 अबे ये क्या कर रही है तू बैठ के,
गुड बॉय गीनो, गुड बॉय। कितना एंजॉय कर रहा है राशि। किनो डुबा दो इनको, है ना, डुबा दो इनके ऊपर चढ़ जाओ। डुबा दो इनको। नेहा इतने में भी डूब जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। आज ये देख क्रोकोडाइल सा निकल के जा रहा है। ये श्री कितनी गंदी, ये इस महिला को देखिए पीछे, जो बच्चों को रुलाती है। चेहरा देखिए इसका, इस मासूमियत के पीछे कितनी हैवानियत छुपी है, देखो। अरे वो खुद आना चाहती थी। अच्छा, आपको बोला उसने कि मैं पानी में डुबकी मारूंगी? वो इशारे कर रही थी कि मुझे भी। आशीष रफ्तार से तैरेगी तो कल तक कौवे का निवाला तो बन जाएगी। गिरा दे, गिरा दे, गिरा दे, गिरा दे, गिरा दे। वाह, बड़ी फ्रेश फ्रेश लग रही है। कपड़े कहाँ चेंज कर लिए आपने? हमने टेंट नहीं दिख रहा है। वाह, ये कपड़े चेंज करने के लिए टेंट लेके आए हो आप? और क्या, सही है। सारी चीजें अपनी लेके चलो। ये रही मम्मी ब्लैक में, ये रही हमारी ब्लैक स्कॉर्पियो, और पीछे व्यू देखो आप, गजब है ना। तुम नहा चुके हैं, बहुत मस्ती कर ली, और जितना फन कर सकते थे वो सब कर लिया है। अब बस बारी है यहाँ से फटाफट चेंज करने की हमारे स्टंट में, और यहाँ से फटाफट निकलने की। पीछे वो देखो, वो स्कॉर्पियो खड़ी, और वो रही पीछे, कितना शानदार लग रहा है। बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत नमूने लोग आ गए थे ना, उनके चक्कर में भगना पड़ रहा है हम लोगों को। अब भाई अनिल भाई साहब आ चुके हैं ड्राइविंग सीट पे। How are you feeling, man? Are you feeling comfortable driving this beast? सबसे पहला रिव्यू तो इन्हीं से लेते हैं भाई। इसको ये बताओ कि पावर की कमी तो नहीं लगती? अभी तुमने नीचे स्लिपरी मड़ी उससे रोड से ऊपर चढ़ाई है गाड़ी, बढ़िया इंक्लाइन था, स्टोन्स भी थे बीच में, तो कैसे चढ़ी है? बढ़िया चढ़ी है ना गाड़ी। ये देखिए पानी कहाँ तक चढ़ा है ना, अभी जब हम लोग आ रहे थे तब पानी कहाँ था, वर्सेस अब हम जब जा रहे हैं तब पानी कहाँ है। सही टाइम पे निकल लिए भैया। पावर में तो कोई कमी नहीं है। व्हेन इट कम्स टू एयर कंडीशनिंग, अब पता करते हैं, हमने ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर से ऊपर का सफर हमने तय कर लिया है। अब सबसे पहले हमें यही पता करना है कि भैया इन 200 किलोमीटर में गर्मी के मारे किसी कैसी कंडीशन है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट रो की। फ्रंट रो की क्या कंडीशन है भाई? फ्रंट रो में पता चला आपको गर्मी वर्मी का नहीं ना? हाँ भाई, ये सनरूफ तो इंडियन कंडीशन के हिसाब से इम्प्रैक्टिकल है। जब गर्मी ज़्यादा तेज नहीं थी तो हमने इसे खोला, और जब ज़्यादा तेज गर्मी थी तो हमने इसको नहीं खोला, बंद रखा। सेकंड रो वाले लोग बताओ कि भाई गर्मी कैसी थी पीछे, इस एयर कंडीशन का क्या सीन है? हमको तो पता चला गर्मी का। नहीं पता चला? नहीं। ठीक है, अब थर्ड रो भाई, थर्ड रो वाले लोग बताओ कि अब तुम्हारी क्या कंडीशन थी? वैसे तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी, लेकिन जैसे धूप में गाड़ी खड़ी हुई है, और धूप में गाड़ी खड़े होने का गर्म हो गई, उसके बाद इतनी भयंकर गर्मी लगी। 15-20 मिनट में जाके हम लोग नॉर्मल हुए हैं, तो एसी को लग रहा है थोड़ा सा टाइम कूलिंग करने का। कीटो मासे आप बताइए कि आपको कितनी गर्मी लगी? अरे भैया मेरे को तो बड़ा मजा आया है, एसी के सामने अपना मुंह रख के आया हूं, पूरी हवा तो मैंने ही खाई है, पीछे वालों ने तो बस वो हवा खाई है जो मैंने पीछे से निकाली है। तो भैया एयर कंडीशन की बात तो हमने कर ली, नेक्स्ट जो पॉइंट था दैट इज रूम स्पेस और लेग स्पेस। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सबसे फ्रंट रो की, तो फ्रंट रो में भाई मैं बैठा था पहले ड्राइविंग सीट पे, अब हमारे महाशय बैठे, मुझे तो कोई कंप्लेन नहीं थी। आप बताइए आपका क्या कंडीशन है? लेग स्पेस इज सफिशिएंट। लेग स्पेस इज सफिशिएंट। अच्छा आप दोनों बताइए भाई, बीच वालों का क्या कंडीशन है? आपके पास कितनी जगह है पैर वारों के लिए? मेरे पास तो बहुत सारी, अभी भी देखो जगह खा के बैठे हैं पूरे हैं। थोड़ा सा किराया भी दो पीछे वालों को भाई। पीछे वाले अब तुम लोग बताओ कि तुम्हारी क्या कंडीशन है? 5'6" का बंदा यहाँ नहीं बैठ सकता, कमर एंड घुटने दोनों ही गए हमारे। मैं तो बच गई हूँ। तू तो बच गई नहीं, मेरी तो हालत खराब है, बेकार है, बहुत बेकार है पीछे की सीट्स तो। बस हाँ यहाँ एक अच्छी चीज है कि विंडो पूरी पूरी है, क्लस्ट्रोफोबिक फील तो नहीं होता है यहाँ पर, अच्छी खासी विंडो है। ठीक है भैया, बात हो गई है लेग स्पेस की, हमने बात कर ली है, एयर कंडीशनिंग की भी बात हमने कर ली है, अब बात करते हैं हेड स्पेस की। हेड स्पेस तो भैया तीनों रो में बहुत शानदार है, ये देख रहे हो आप, बहुत जगह है, बहुत जगह है, यहाँ पे भी बहुत जगह है, पीछे भी बहुत जगह है, हेड स्पेस बहुत शानदार है। सस्पेंशन तो भैया एक नंबर है, मक्खन सस्पेंशन है, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है आप किसी भी रोड पे निकालो। हाँ थोड़ा सा बाउंस है, जब भी आप स्पीड ब्रेकर से निकलते हैं तो बेचारी वो जो आशु है ना सबसे पीछे बैठी हुई है, उसका सिर इतनी बार ठुका है भैया ऊपर, इतनी बार ठुका है पूछो मत। कोई अपडेट्स? सभी के सभी सो गए थे, सबने बढ़िया नींद ले ली, ठीक है, सब उठ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ड्राइवर साहब भी एक आधा जबकि मार चुके हैं चलाते 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 में मेरे को मस्त नींद आई है। हाँ अभी हम हाईवे पर चल रहे हैं, टुकड़ों में हाईवे मिल रहा है हमको ना, तो जहाँ हाईवे मिलता है हम बढ़िया स्पीड गेन कर लेते हैं, बढ़िया चल लेते हैं, जहाँ नहीं मिलता तो भैया वहीं रेंग रेंग के चल रहे हैं। लेकिन गाड़ी भाई बढ़िया स्मूथ है कि नहीं भाई चलाने में? आप तो बहुत चला ली,
मजा आ गया। अब रिव्यू दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अब फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा मजा आ रहा है भाई चलाने में, ठीक है। आई थिंक यही थी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आपने लोकेशन देख ली, आपने गाड़ी के बारे में सुन लिया और कुछ हमारे क्रेजी शॉट्स भी देख लिए होंगे। तो इसी के साथ अब इस ट्रिप को हम क्या करते हैं भाई, क्लोज करते हैं। अब घर में जाके भाई हमें भी थोड़ा सा रेस्ट लेना है। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बोल दो भैया सब बाय बाय। चलो भाई इधर गलत जगह मार के बाय बाय।